क्या चुनावी साल में बढ़ने वाली है अखिलेश की मुश्किलें? अखिलेश पर क्यों कस सकता है सीबीआई और ईडी का शिकंजा? एक ओर जहां एसपी प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की रणनीति में व्यस्त हैं, लेकिन चुनावों से पहले अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आने वाले दिनों में अखिलेश पर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसे जांच एजेंसियों का शिकंजा कस सकता है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में हुई धांधली की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर अखिलेश यादव भी हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी ऐसे समय में दी गई है जब आने वाले कुछ महीनों में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में योगी सरकार के इस फैसले को एसपी नेता पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई थी। मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई करते हुए हाल ही में प्रोजेक्ट से जुड़े 6 कंपनियों को समन जारी किया है। ईडी प्रोजेक्ट में हुई वित्तीय अनियमितता की छानबीन कर रहा है। ये प्रोजेक्ट अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। सीबीआई ने इसी साल मार्च में पूरे मामले की जांच शुरू की थी। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में करीब 1513 करोड़ की अनियमितता हुई है। सीबीआई ने पिछले साल 2 दिसंबर 2017 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में सीबीआई ने लखनऊ में तैनात सिंचाई विभाग के 8 इंजीनियर्स को आरोपी बनाया है। आरोप है कि इन सभी कर्मचारियों ने पद का दुरुपयोग करते हुए वित्तीय गड़बड़ी की और आर्थिक अपराध किए हैं। इनके खिलाफ धोखाधड़ी, चीटिंग और फॉर्जरी का केस दर्ज किया गया है। परिवर्तन निर्देशालय ने भी इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। जाहिर है पूरे मामले में जांच एजेंसियों ने जिस तरह से अपनी जांच में तेजी कर दी है, उससे अखिलेश यादव पर शिकंजा कसने की अटकलें तेज हो गई हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।